chapter till now I have discussed with you, meaning of democracy, then merits, demerits, why democratic form is better than its alternate. Then we have discussed accountable, legitimate, and responsible government. Okay. On Saturday, I have discussed that topic, that is accountable, legitimate, and responsible government. Democracy is only that provide dignity, self-respect. We have completed. Now we have to start with the how democracy is not fulfilled to achieve rate of economic development and how still inequalities are there. Clear? ठीक है बच्चे, यहीं से शुरू करना ना हमने. Yes. Okay. So again, statement is why democracy do not appear. यहाँ पे डू नॉट वर्ड है, तो इट मीन्स आपने ऐसी स्टेटमेंट्स को इसमें डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनकी नेगेटिव यानी कि उसके डीमेरिट्स मेन बताने. ठीक है, द डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट and economic inequalities. डेमोक्रेसी जो है वो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को जो है वो प्रॉपर पॉपअप नहीं कर पाई. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट हाई नहीं है और इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट हाई नहीं है एंड इक्वालिटीज यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ज्यादा है. ठीक है, तो वह हमने इसमें पॉइंट्स बताने हैं, ऐसे पॉइंट्स जिसमें हमने रियलिटी बतानी है. रियलिटी मतलब हमने अपनी कंट्री की रियलिटी बतानी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने को हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन अभी भी 1947 से लेकर 2022 तक इतने सालों के बाद भी हमारी कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं जिसके कारण हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई. अब सिर्फ ये टर्म्स हमने एक्सप्लेन करनी है, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर, दोनों में इको वर्ड कॉमन है, तो हमने इकोनॉमिक फैक्टर मेन बताना है. काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या ऐसी प्रॉब्लम जिससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो जिसके कारण सफर करती है. ठीक है, तो हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हेडिंग देकर आपने इनको एक्सप्लेन करना है दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री स्टिल पीपल आर वेरी पुअर. ठीक है, पावर्टी कैन बी सीन, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, पीपल वॉन्ट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग देम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज द रीजन वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज आर नॉट प्रॉपर, इट्स वेरी लो. ठीक है, बिकॉज पीपल दे आर वेरी पुअर, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड गवर्नमेंट इज नॉट गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड टू प्रोवाइड दीज प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज एंड still we can say that poverty is can be seen in these countries. So democracy jo hai in factors mein fail ho gayi hai, successful nahi hai. Ab compare kare Dubai jaisi countries ya aisi country jahan pe democracy nahi hai, to rate of development in Dubai is very high. Theek hai, then poverty jo hai wo wahan pe India ki tarah nahi hai, unemployment bhi India ki tarah nahi hai. तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ कंट्री जो डिक्टेटर कंट्रीज होती हैं या कुछ कंट्री जहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता है या कुछ कंट्री जहाँ पे पावर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के हाथ में होती है, ऐसी कंट्रीज में शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं हाई होने के,
और यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम होती, ठीक है। देन फिर हमने बताना है एक तरफ अल्ट्रा रिच वर्सेस बीपीएल, एक तरह से ये भी एक तरह से हमारी कंट्री की एक रियलिटी है, ठीक है। ऑन वन साइड अल्ट्रा रिच पीपल अंबानीज अडानीज बिरलास टाटास वाडियास दे आर इंजॉइंग अनलिमिटेड पावर एंड मनी, ठीक है। बट ऑन द अनदर हैंड पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड क्लोथ एंड शेल्टर, मैनी पीपल दे आर लिविंग इन स्लम्स एरियाज। तो ये इंडिया की रियलिटी है, हमने नेगेटिव कह लो या फिर हमने बताना है रियलिटी कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कंप्लीट नहीं कर पाया है। इसका सेकंड एग्जांपल हमने क्या देना है, इन आर कंट्री अल्ट्रा रिच पीपल दे आर लिविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, ऑन अनदर हैंड द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, मेनी पीपल दे आर लिविंग इन स्लम्स एरियाज दे आर नॉट गेटिंग फैसिलिटीज, ठीक है। एंड लाइक कौन कौन सी फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कहने को तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, लेकिन व्हाट अबाउट दीज पीपल दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट इज डूइंग एफर्ट्स बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स इनकी तरफ नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। देन इलिटरेसी, थर्ड बताना है आपने इलिटरेसी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल 100% लिटरेसी वी हैव नॉट अचीव्ड, ठीक है। After so many years of independence, we have not achieved 100% literacy. It means in our country still many people they are illiterate. They can't know, they don't even you can say read and write. वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते. So that's why अगर उनकी proper reading नहीं होगी, writing नहीं होगी, तो jobs नहीं मिलेंगी, तो वो labour work करेंगे. ठीक है, this is a reason. In democratic country still after so many years of independence, many people they are illiterate. And thus we can say that the rate of economic development is very low and still in these countries economic inequalities can be seen. Clear? So ye main humne negative sara iska batana hai, reality batani hai, jo drawbacks hai wo batane hai. Then iske baad humne batana hai corruption and scams. Corruption and scams. तो बेसिकली इन कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्रीज में देखा गया है करप्शन, ठीक है। करप्शन का मतलब है कि हर ग्रास रूट लेवल पे करप्शन है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है, ठीक है। काम करवाने के लिए आपको ब्राइब करना पड़ता है, करप्शन, ठीक है। काम करवाने के लिए आपको मनी देना पड़ता है, इंसेंटिव देना पड़ता है। या फिर स्कैम्स का मतलब होता है मिनिस्टर्स के नाम जो है वो अलग अलग घोटालों में स्कैम्स में इन्वॉल्व है। आए दिन आप देखते हो इनकम टैक्स की रेड, किसी मिनिस्टर के घर में अनलिमिटेड मनी मिली है, गोल्ड मिला है, वट एवर जो भी। So that's a sign of scams and corruption. Rate of corruption is very high in these countries. That is reality. ये भी हमारी country की democratic government की एक reality है। तो ये भी बहुत से ऐसे मतलब news में आप सुनोगे कि कैसे जो leaders हैं उनके घरों में unlimited property जो पाई गई है, that is black money, whatever जो भी है, ठीक है। तो एक तरफ इतनी ज्यादा high जिसमें कहते हैं कि corruption है, और दूसरी तरफ जो below poverty line है उनकी तरफ government का ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना वो 5 साल के लिए आती है, और वो रिस्पॉन्सिबल एनफ नॉट यू कैन सी टू द फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। 5 साल के बाद लीडर चेंज हो जाते हैं, उनको पता है कि हमें सिर्फ 5 साल रहना है, 5 साल के लिए वो बेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर अगली गवर्नमेंट आती है, उसको सेट होने में टाइम लगता है। तो कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज द रीजन वाई वी कैन से दैट एट दैट टाइम एट प्रेजेंट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम मेनी कंट्रीज एंड आर कंट्री इज स्टिल डिवेलपिंग, इट्स नॉट डिवेलप्ड, आर कंट्री इज स्टिल डिवेलपिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या बताएंगे, रिचर आर बिकमिंग, रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिचर, पुअर पीपल वे आर बिकमिंग मोर पुअर, अनइक्वल गैप, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो कई लोगों के पास बहुत ज्यादा हैं, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, कईयों के बैंक अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, कईयों के पास कुछ भी नहीं,
ठीक है, तो ये भी हमारी कंट्री में एक जिसे हम कहते हैं कि देखा गया है ड्रॉबैक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर से स्टेटमेंट डेमोक्रेसी, यानी कि इस स्टेटमेंट में जो भी हमने पॉइंट्स बताने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये सारी हमने इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज जो है उनको जस्टिफाई करना है। ठीक है, देन फिर हम बता सकते हैं दैट डिले इन डिसीजन मेकिंग, हमारी कंट्री में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत डिले है। जुडिशरी की बात करें या जितने भी लॉज हैं, बिल्स हैं, उनको पास करने में बहुत टाइम लग जाता है, जब सडन जरूरत होती है तब नहीं हो पाता। और इसके लिए कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री की सफर करती है। कई बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने होते हैं उनमें लोगों के व्यूज आपस में नहीं मिलते, लीडर्स कीप ऑन फाइटिंग विद ऑन डिफरेंट इशूज, और अलग अलग इशूज के कारण उनके आपस में बीच में कोई यूनानिमस जो है वो डिसीजन नहीं निकल पाता, जिसके कारण वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, देन नॉन अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, नॉन अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो नॉन अटेंटिव है। नॉन अटेंटिव का मतलब होता है इलेक्शंस में जीत जाने के बाद एक बार गवर्नमेंट जो इलेक्ट हो जाती है, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए वो लोगों को भूल जाते हैं, फिर वो अपने सेल्फिश मोटिव्स जो हैं उनको फुलफिल करते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है, जो लोगों की नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, वो प्रॉपर फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो ये रियलिटी आपने ये बतानी है कि यस वी इन द एंड वी कैन से दैट यस डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनइक्वालिटीज में नहीं हो पाई है। नो डाउट और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर्स हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं, बट स्टिल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जो है वर्क करने की जरूरत है ताकि कंट्री में इन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, अब इसके बाद हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रॉपर फिर से जज करेंगे ऑन द वेरियस स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई विल राइट ऑन द बोर्ड सम स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके बारे में है। आपकी बुक के लास्ट जो पेजेस हैं, लास्ट पेजेस में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन एंड एनी क्वेश्चन कैन कम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स को इस तरह से रीड करना है, तो सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं बट काइंड ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट्स हैं, उनके आंसर्स कॉमन ही होंगे। तो इसमें हमने अब क्या बताना है कि डेमोक्रेसी जो है इसका बहुत ज़्यादा टफ क्राइटीरिया है। क्राइटीरिया का मतलब होता है इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी ख़त्म ही नहीं होती। इनडायरेक्टली मेरा मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक काम ये पूरा करते हैं देन दूसरी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बिल पास करते हैं फिर दूसरा बिल पास करना पड़ता है, एक ग्रुप को सेटिस्फाई करते हैं फिर दूसरे ग्रुप को करना पड़ता है, अगर एक ग्रुप को नहीं करेंगे तो दूसरा ग्रुप एजिटेशन करेगा, मूवमेंट्स करेगा, रैलीज करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि नो डाउट, अब हम इसको थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, जो पीएम हैं, जो हमारी कंट्री के मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनको हर रोज़ नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट है एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी। नेवर गेट्स ओवर। यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आ गया, या मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हमारी कंट्री के हाईएस्ट लॉ मेकिंग या इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, यानी कि उनका एग्जाम, उनके चैलेंजेस,
उनकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। या फिर और स्टेटमेंट क्या आती है, इट पासेस टेस्ट एंड टू प्रोड्यूस अनदर, इसका मतलब क्या है, इनकी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी तैयार होती, इनके सामने एक ग्रुप की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरे ग्रुप की प्रॉब्लम तैयार होते हैं। इट पासेस टेस्ट एंड टू प्रोड्यूस अदर, यानी कि एक टेस्ट खत्म होता है दूसरा तैयार रहता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फंक्शंस हैं, इनको वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। और जब ये लोगों को जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं कुछ नहीं होते। जो लोग सेटिस्फाई होते हैं वो और एक्सपेक्ट करते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती लोगों की, ठीक है। कंप्लेंट्स, और लोग कंप्लेंट्स करते हैं, और कंप्लेंट्स जो है, कंप्लेंट करना मतलब क्या है कि लोग अवेयर है। इसमें हम क्या, ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लेंट्स जो लोग कंप्लेंट करते हैं जब उनके काम पूरा नहीं होता है, डिमांड्स करते हैं, रैलीज करते हैं, ठीक है, या एजिटेशन करते हैं, कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब प्रूफ, कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। टेस्टिमनी टू डेमोक्रेसी, टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इट मींस वो अवेयर है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं, किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो अगर आती है तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन आपने इसमें बताने। या फिर पब्लिक एक्सप्रेशन, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पब्लिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, डिस्कशन, न्यूज़पेपर में वो लिख रहे हैं, ठीक है। पब्लिक एक्सप्रेशन शो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, अब हर स्टेटमेंट का एक मीनिंग है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आओ आएगा तो ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर, नंबर ऑफ लाइंस आर देयर, लेकिन हर लाइन में कुछ कॉमन पॉइंट्स एक जैसे ही है। इन द एंड हम क्या मतलब है, नंबर वन, एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। इसका मतलब क्या है, सिंपल आप ऐसे याद रखो कि जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हमारी कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनके काम खत्म नहीं होते। काम खत्म नहीं होते मतलब, क्योंकि उनको कितने ही बिल पास करने पड़ते हैं, कितने ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नए बिल्स पास करवाने हैं, पुराने बिल्स को अबॉलिश करना है। इतने तरह के ग्रुप हैं सोसाइटी में, कास्ट हैं, कम्युनिटीज हैं, हर एक को सेटिस्फाई करना पड़ता है। हर रोज न्यूज़पेपर में देखोगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि इनका एग्जाम, यानी कि इनका जो काम है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। कैसे, वो हम बताएंगे। सेम सेकंड, इट पासेस टेस्ट एंड टू प्रोड्यूस अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक काम करते हैं, इनको दूसरा काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फार्मर्स को सेटिस्फाई कर दिया, बिल जो है रिपील कर दिया, अब इनको फिर से वर्क करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कैसे जो रिपील किया है उसको फिर नए सिरे से कैसे लेकर आए ताकि इनको सेटिस्फाई किया जाए। फार्मर सेटिस्फाई हो गए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, लेबर्स, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ठीक है, वर्कर्स, इनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए क्योंकि ये भी अपने डिमांड्स लेकर आएंगे, ठीक है। बजट प्राइजेस बढ़ गए, पेट्रोल प्राइजेस बढ़ गए, सम आर हैप्पी सम आर नॉट, कैसे इनको खुश किया जाए, ठीक है, ताकि इलेक्शन में उनसे वोट बैंक जीता जाए। इसका मतलब क्या है, इट पासेस टेस्ट एंड टू प्रोड्यूस अनदर, यानी कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उनको हर रोज नए नए टेस्ट के लिए रेडी रहना पड़ता है, नए नए स्टैंडर्ड्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। देन थर्ड,
कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ लोगों को सेटिस्फाई कर देती है लेकिन कुछ लोगों को नहीं कर पाती, तो कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ लोग कंप्लेंट्स करते हैं जिनको सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं वो मूवमेंट चलाएंगे, रैलीज चलाएंगे, ठीक है, देन एजिटेशन करेंगे। तो ये इट्सेल्फ प्रूफ है कि दैट इज अ प्रूफ, दैट इज अ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब दैट इज अ प्रूफ कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। यानी कि ऐसी सोसाइटी जहां पे लोग मूवमेंट्स कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो डेमोक्रेसी की ही सक्सेसफुल होने के जो है वो प्रूफ है। क्योंकि ऐसे कंट्रीज में लीडर कुछ भी पास कर देंगे, लोग आंखें बंद करके उसको मानेंगे नहीं। ये इटसेल्फ इट इज अ प्रूफ कि अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो वहां पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि लोग वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, ठीक है। देन पब्लिक एक्सप्रेशन शो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। पब्लिक एक्सप्रेशन में आप कुछ भी बता सकते हो, रैलीज, मूवमेंट्स, टीवी, टेलीविजन पे डिबेट, डिस्कशन। यानी कि जब लोग अपना एक्सप्रेशन, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सक्सेस, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है। जैसे ही आप टेलीविजन में न्यूज चैनल ऑन करते हो, आप नंबर ऑफ पार्टी स्पोक्समैन देखते हो कि हर पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, इसका मतलब लोग जो हैं कहीं ना कहीं अवेयर हैं। और सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी, जो भी पावर है या जो भी पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर इवेलुएट कर रहे हैं। और यही शो करता है कि डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है। बेटा मैंने अभी तक आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स बताई हैं कि स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है। नाउ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कैन कम लाइक जस्टिफाई, इनको जस्टिफाई करना मतलब सपोज ये स्टेटमेंट आ गई, ये आ गई, ये किसी भी तरह से कोई भी स्टेटमेंट आई, आपने इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपने इन्हीं कोई पॉइंट्स में बताना है। तो उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स अपने माइंड में रखो, इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमने पूरा जो है वो इसका आंसर, इसको जस्टिफाई करना है। कैसे कर सकते हैं, हमने कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, सपोज लाइक ये स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट्स में एक जैसा ही आपने पॉइंट्स बताना। एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, क्या मतलब है इसका कि डेमोक्रेसी का जो टेस्ट है या एग्जाम है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि यस, जस्टिफाई का मतलब यस इट इज राइट कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हर रोज नए नए स्टैंडर्ड से होकर निकलना पड़ता है। यानी कि मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो जैसे आप न्यूज़पेपर सुनते हो, देखते हो, टेलीविजन सुनते हो, हर तरह के लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं और लोगों की डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, दैट सेटिस्फाई पीपल, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाता है, कुछ लोगों के डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटिस्फाई पीपल, लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं जब वो किसी तरह से कोई भी डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लोगों की डिमांड्स पूरी हो जाती है ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं मोर, दे एक्सपेक्ट मोर। ठीक है, ये तो है ही है, ऑब्वियसली अगर एक ग्रुप की डिमांड पूरी हो जाएगी तो दूसरा ग्रुप एक्सपेक्ट करेगा, और दूसरे ग्रुप की डिमांड पूरी हो जाएगी तीसरा एक्सपेक्ट करेगा, वो कहेगा हाँ जी हाँ हमारी डिमांड्स भी पूरी की जाए। तो इस तरह से क्या होगा, एक ग्रुप को सेटिस्फाई किया, अदर पीपल एक्सपेक्ट मोर, दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं। जब उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, दे डू कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स करते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, ठीक है। और ये कंप्लेंट्स किस तरह से हो सकती हैं, ये कंप्लेंट्स करते हैं टेलीविजन में, डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखेंगे, लेटर टू द एडिटर लिखेंगे कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, ऑल इंडिया बंद का ऐलान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट इनके जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करे। यहाँ तक आपने बताना है कि
जब गवर्नमेंट एक ग्रुप को सेटिस्फाई कर देती है तो गवर्नमेंट का काम खत्म नहीं हो जाता, लोग और एक्सपेक्ट करते हैं, और जब लोग और एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पाएगी तो लोग कंप्लेंट्स करेंगे, और ये कंप्लेंट्स जो है, कंप्लेंट्स इटसेल्फ द प्रूफ, कंप्लेंट जो है सेकंड इज इट शोज इट, ये प्रूफ है, इट प्रूव्स दैट पीपल दे आर पार्टिसिपेटिंग, वो अपनी पब्लिक ओपिनियन शो कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन अपने व्यूज शो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रूफ है ये, दैट इज अ प्रूफ, दैट इज अ टेस्टिमनी, ये प्रूफ शो कर रहा है कि लोग अपनी राय दे रहे हैं, लोग अपने व्यूज जो है बता रहे हैं, इट मीन्स लोग जो है वो आंखें बंद करके नहीं बैठे, ठीक है। थर्ड, फिर हमने बताना है ये क्या शो करता है, दैट दे आर अवेयर, ठीक है, एबिलिटी, उनमें एबिलिटी है, दे हैव एबिलिटी टू अपोज रॉन्ग डिसीजन, तो ये क्या शो करता है कि लोगों में क्या है, एबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेती है तो वो फुली उसके साथ डिसएग्री करें, अपने आप को प्रेजेंट करें कि वो भी सोसाइटी में है, और इस तरह से जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दे एक्सपेक्ट मोर, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या शो करता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स के ऊपर प्रॉपर प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम और क्या बताएंगे, इसमें हमने बताना है कि ये जो फीलिंग्स है, जिस फीलिंग के कारण लोग अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये फीलिंग्स लोगों को क्या बनाती है, नेक्स्ट फोर्थ, सब्जेक्ट टू सिटीजन, से पहले हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट थे, हम सिटीजन नहीं थे क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं थे। एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी नए रूल्स पास करती थी, प्रोटेस्ट तो करते थे लेकिन हमारे पास राइट्स नहीं थे। लेकिन अब क्या है, अब हम सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब हम स्टैच्यू नहीं है, हम सिटीजन है। एक सिटीजन वही होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर हर रोज गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉपर नजर रखे, गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो गवर्नमेंट को उस चीज के लिए डिबेट्स, डिस्कशन के द्वारा, रैलीज के द्वारा प्रॉपर अवेयर किया जाए कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो लोगों के अगेंस्ट, और जिन लोगों के ऊपर उस लॉ का बेनिफिट सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो लोग भी आंखें बंद करके उस लॉ के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उनको भी प्रॉपर उसको इवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट टू सिटीजन, इसका मतलब क्या है कि जितना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग ज्यादा अवेयर होंगे, उतने ही वो सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए, ठीक है। एंड अगर वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं तो वोटिंग मेक्स डिफरेंस, उनको पता होगा कि हमने किसको वोट करना है, वोटिंग मेक्स डिफरेंस, वो अलर्ट रहेंगे इलेक्शंस के टाइम पर, नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट चूज करते हुए वो 100 बार सोचेंगे कि हमने कौन सी पार्टी, कौन से लीडर्स को वोट करना है, और इस तरह से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है वो गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट को इवैल्यूएट करने में, गवर्नमेंट को अपोज करने में, और गवर्नमेंट को चेंज करने में अपने हर राइट्स को प्रॉपरली यूज करने में, वोटिंग मेक्स डिफरेंस फॉर दैट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज अगर ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग आंखें बंद करके बैठे रहेंगे 5 साल में, उनको कुछ नहीं पता कि लीडर्स ने जो मर्जी लॉ पास कर दी, तो ऐसी कंट्रीज में हम कहेंगे कि वो सिटीजन नहीं है, वो सिर्फ सब्जेक्ट हैं, वोटिंग उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो कंप्लेंट्स करेंगे और ना ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, और ऐसी कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अब जितने मैंने आपको पॉइंट्स करवाए, मैं फिर से स्टेटमेंट्स आपको बोल रही हूँ, तो अल्टीमेटली इन्हीं स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे पॉइंट्स बताने। नंबर वन, पब्लिक एक्सप्रेशन शो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है, जितना लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इसका मतलब सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है। सेम आप अपनी क्लास का एग्जांपल लो,
लाइक आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग, ठीक है? अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो दैट इज अ टेस्टिमनी, दैट इज अ प्रूफ कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चनिंग करना काइंड ऑफ आपकी एक प्रेजेंस है. जितना बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा इट मीन्स वो 100% सुन रहा है, वो अटेंडेंस उसकी है और वो फिजिकली भी प्रेजेंट है, मेंटली भी प्रेजेंट है, ठीक है? सेम पब्लिक एक्सप्रेशन शो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आप जैसे अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हो इट मीन्स दैट इज द सक्सेस ऑफ योर लर्निंग. आप सुन रहे हो, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, दैट इज सक्सेस ऑफ योर लर्निंग एंड सक्सेस ऑफ टीचिंग ऑल्सो. इफ यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर नॉट शोइंग योर एक्सप्रेशन. आप एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहे हो इट मीन्स टीचिंग और लर्निंग जो है वो जीरो. इसी को आपने डेमोक्रेसी से रिलेट कर दो, दैट व्हेन पीपल विल डिमांड दे विल एक्सपेक्ट, इट मीन्स इट इज अ प्रूफ ऑफ सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी. देन सेकंड, एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर. डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता. 5 साल के लिए सपोज अगर डे वन से मिनिस्टर जो है उनका काम शुरू हो जाता है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जो है हर रोज उनको नए नए स्टैंडर्ड से ऊपर निकलना पड़ता है. लोग आए दिन उनसे नई नई एक्सपेक्टेशंस करते हैं, कुछ को फुलफिल कर लेते हैं लेकिन कुछ को नहीं फुलफिल कर पाते तो वो लोग कंप्लेंट्स करते हैं. कंप्लेंट्स इटसेल्फ इज टेस्टिमनी ऑफ डेमोक्रेसी. इट पासेस वन टेस्ट, इट हैज टू प्रोड्यूस अनदर. इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को हर रोज नए नए टेस्ट, नए नए स्टैंडर्ड पास करने पड़ते हैं. कभी ए ग्रुप को सेटिस्फाई किया, कभी दूसरे को किया, कभी तीसरे को ग्रुप को किया, और जिनको नहीं किया उनके चैलेंजेस, ठीक है, उनकी हेट्रेड, उनसे नफरत या उनकी जो भी स्पीचेस हैं वो सुननी पड़ती हैं. देन कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इट मीन्स दैट इज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे, उनके कान बंद नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए. और डिमांड्स को फुलफिल करना, मूवमेंट्स करना, ऐसी कंट्री जहां पे प्रोटेस्ट नहीं होंगे, मूवमेंट्स ही नहीं होंगी, रैलीज ही नहीं होंगी, लोगों को लगेगा कि जो गवर्नमेंट करती है ठीक करती है. ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाती और ऐसी कंट्रीज में वोटिंग या जो भी उनके सिटीजन की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस we can say that it is 100% required people participation and awareness. log aware honge, participate karenge, iska matlab kya hai ki democratic government successful ho rahi. any doubt? now tell me, aisi countries bache jahan pe log expecting nahi karte, complaints hi nahi karte, theek hai, to aisi countries jahan pe log oppose hi nahi karte government ko, criticize hi nahi karte aur voting karne ke baad 5 saal tak chup rehte hain aur government ko criticize nahi karte, to aisi countries में क्या होगा? What will happen? Tell me. Raise your hands. Yes. What will happen if people will not complain at all? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट 100% सक्सेसफुल हो. What will happen? अगर ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ जी अर्शीन, कीप योर माइक ऑन. यस मैम. हाँ जी बच्चे, सपोज ए कंट्री, कंट्री में लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ना रैलीज कर रहे हैं, ना ही न्यूज़पेपर में अपोज कर रहे हैं. नो डाउट गवर्नमेंट ने उनको राइट दिया है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट ने राइट नहीं दिया, लेकिन लोग ही नहीं कर रहे. लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें क्या लेना, गवर्नमेंट जो मर्जी करे. तो ऐसी कंट्रीज में फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मैम अगर लोग अपोज ही नहीं करेंगे, मतलब फिर मैम फिर ये तो मतलब लोग तो फिर यही सोच रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट कर रही है वही सही है. मैम फिर ऐसे कंट्री में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर लोग ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे एंड मैम इससे ज्यादा और एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आएंगी उस कंट्री में. तो इट मीन्स जिस कंट्री में, हम यही कहते हैं ना कि इंडिया में मूवमेंट्स हो रही है, रैलीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में लोग ज्यादा अवेयर है अपने राइट्स के लिए, स्ट्राइक्स करते हैं, एजिटेशन करते हैं. कई लोग कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आए दिन बंद ही होता रहता है. इट मीन्स पीपल दे आर अवेयर, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर और कंप्लेंट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. इट मीन्स वो गवर्नमेंट के हर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर अपना जो है वो अपनी राय दे रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं. ये मतलब है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है? ये इसका मीनिंग है. क्लियर?